12 दिसंबर को मेरी बेटी कॉलेज के लिए निकली थी, उसके बाद वो घर नहीं लौटी। पुलिस को कहा गया तो वहाँ जो इंस्पेक्टर साहब थे वो बोले कि 500 रुपया जो भी CCTV खोलेगा 500 रुपया दे दीजिएगा। हम 5000 रुपया लेके गए थे, संवेदना नहीं को कहते रहे कि मैम आप CCTV खुलवाइए, लेकिन उन्होंने खुलवाया नहीं। यह चर्चा हम आयोग में भी किए थे, वहाँ भी उन लोगों ने कहा कि आप 0 से स्टार्ट कीजिए, 3 दिन में रिपोर्ट दीजिए। उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दिया और पुलिस बिल्कुल नहीं देख रही। क्या कारण लग रहा है, किसी का दबाव या कुछ पुलिस पे? लगता है कि ऊपर से पैसा वो लोग ज़्यादा ले लिया है और पैसा के कारण ही सारा स्थिर पड़ा हुआ है। अब क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं मेरी बेटी मिले, और हम क्या चाहेंगे? क्या नाम है? यशी। आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम कुमारी अश्विन। आज की जो बैठक आहूत की गई उसमें 7 महीने पहले अपहृत जिस यशी सिंह को कर लिया गया था, जिस बच्ची को, अभी तक उसकी बरामदगी नहीं हुई है। हम लोग अपने अपने स्तर से IG पुलिस तक जा चुके हैं, सब जगह आश्वासन मिलता है, लेकिन रिजल्टेंट 0 है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। पुलिस की निष्क्रियता, असंवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। पुलिस कोई भी इन्फॉर्मेशन हम देते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस बिल्कुल वो कछुए की चाल में चल रही है। पुलिस को ये पता नहीं है कि किसी की बेटी गई है, किसी की बच्ची, जवान बच्ची को किसी ने उठा लिया है। अगर इसी तरह होता रहेगा तो फिर ये देश दुनिया चलने वाला नहीं है। तो आज हम लोगों की बैठक इसी विषय पर हुई और हम लोगों ने तय किया कि विद इन वीक, 1 सप्ताह के अंदर पुलिस अगर यशी को बरामद नहीं करती है तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से पूरे शहर का सर्व समाज, हर एक जाति, हर एक धर्म, एक जन आंदोलन करके धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन करेंगे, और लास्ट में बच्ची का के माँ का कहना है, जो हमको बोली है, कि वो आत्मदाह करेगी। और इस तरह से 1 सप्ताह के बाद अगर पुलिस को नींद नहीं खुलती है तो 1 सप्ताह के बाद हम लोग अपने अपने स्तर से चालू हो जाएंगे और ये इतना भयंकर होगा मुजफ्फरपुर के इतिहास में कि पुलिस देखते रह जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। और उस पर जो पुलिस पर जो दबाव है, पुलिस पर जो दबाव है, उस दबाव को पुलिस को सामने लाना, उस दबाव से हटके उसको काम करना पड़ेगा। सिर्फ एक बच्ची की सवाल नहीं है, हमको एक बच्ची के बारे में मालूम होगा, लेकिन अगर हम ढूंढने जाएंगे तो हमारे इसी मुजफ्फरपुर ज़िले में दर्जनों ऐसी बेटी मिल जाएगी जिसके बाप को, जिसकी माँ को उसके बेटी का पता नहीं है। ठीक है, तो उस तरह से हम ऐसे सारे लोगों को मिला जुला करके, सारे समाज मिल करके इसका प्रतिकार करेंगे और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। ये घटना है 12 दिसंबर 2022 की। इसमें गिरफ्तारी हुई है 2 महिला की। ठीक है, 2 महिला गिरफ्तार है, वो अभी भी जेल है, अभी तक कोर्ट उसको बेल नहीं दी है, लेकिन साक्ष्य के अभाव में अगले डेट पर उसको बेल मिलने की संभावना है। दूसरी बात कि वो इतनी पावरफुल महिला है, इतना पैसा उसके पास है कि उसके बेल के लिए पटना हाई कोर्ट से वकील आ रहे हैं उसके बेल के लिए। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि उन लोगों का जो रैकेट है उनके पास कितना, वो कितना प्रभावशाली रैकेट है, कितना पैसा उनके पास है, इसी से आप लोग अंदाज लगा सकते हैं। क्या परिचय हो गया आपका? मेरा परिचय है मनोज कुमार सिंह, संगठन जो भूहित है उसके हम संयोजक हैं। देखिए, ये जो घटना है आप सब लोग ने भी सुना,
कि 12 दिसंबर की घटना है और लगभग 7 महीने बीत गए हैं और लगातार हम लोग एसएसपी से, आईजी साहब से और जो सदर थाना है जहां पर कि केस लॉज हुआ है वहां हम लोग लगातार जा रहे हैं। आश्वासन हम लोगों को मिला, एसएसपी साहब ने खुद कहा कि 15 से 20 मई के बीच में हम लड़की को उसके घर पर हम पहुंचा देंगे, आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। हम लोगों ने उन पर भरोसा किया, लेकिन फिर उन्होंने जब हम लोग 20 तारीख को उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे अनुसंधान का जो दिशा था वो गलत था, हम लोगों को फिर से नए तरीके से उसके बारे में हमको आगे बढ़नी पड़ेगी। बच्ची एक संभ्रांत परिवार की है और मैनेजमेंट कॉलेज की छात्रा ललित नारायण मिश्रा तिरहुत, ये मैनेजमेंट कॉलेज जो है भगवानपुर में, उसकी वो छात्रा है सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर की, और वो कॉलेज जाने के क्रम में बीच रास्ते में ये घटना घटी है या फिर कॉलेज के नज़दीक पहुंच के घटना घटी होगी। जो फुटेज है वो भी पुलिस के हाथ में है, तो आखिर एक सभ्य समाज में इस तरह की घटना घटेगी तो कहाँ कोई जाएगा? प्रशासन और ख़ास करके जो पुलिस प्रशासन है उसको ही इसमें आगे पहल करके उस बच्ची को सामने में लाना है। इसलिए आज समाज के बहुत सारे लोगों को आज एकत्रित किया गया है और लाचारी में हम लोगों को एक जनतांत्रिक तरीके से आंदोलन चलाना पड़ेगा, क्योंकि कई तरह की बातें आ रही हैं जिससे ऐसा हम लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस पर अत्यधिक दबाव है और पुलिस इस मामले का उद्भेदन जितनी तत्परता के साथ उसको करनी चाहिए थी, जो जिस तरह का ये सेंसेशनल मैटर है उस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो निश्चित रूप से हम लोग समाज के सामने आए हैं, बच्ची की माँ भी आई हुई हैं यहाँ पर, और हम लोग समाज के सामने आए हैं कि समाज मदद करे, उस बच्ची, वो बच्ची जो है सो सामने में आए और जो है सो बच्ची अपने परिवार के साथ रहे। बहुत धन्यवाद। मेरा नाम प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, पूर्व सीनेटर, बिहार विश्वविद्यालय, मुझे